पर मौसम विभाग ने आशंका जताई कि देश के कई राज्य इस साल मार्च से मई तक 3 महीने लू की चपेट में होंगे। दिल्ली समेत आसपास के कुछ इलाकों में तो अभी से पारा 30 डिग्री से ऊपर जा चुका है, जबकि फरवरी और मार्च के महीने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि देश के ज्यादातर हिस्से मार्च से ही लू की चपेट में होंगे और इतनी गर्मी पड़ेगी जैसी अप्रैल और मई के महीने में महसूस की जाती है। मौसम विभाग का मानना है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में मार्च के पहले हफ्ते में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है, यानी लोगों को इस बार बेतहाशा गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जिसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट भी जारी कर दिया ताकि लोग पहले से ही गर्मी को लेकर सावधान हो जाएं। हालांकि पिछले साल भी मार्च के महीने में कुछ इसी तरह की गर्मी पड़ी थी और तब मार्च में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पिछले वर्ष का मार्च महीना बीती एक सदी में सबसे ज्यादा गर्म रहा था। तब भयंकर लू चली थी जिसके प्रकोप में फसलें जल गई थी और जलस्तर काफी नीचे चला गया था। इस बार भी मौसम विभाग ने असामान्य तापमान की चेतावनी दी है। मतलब आम तौर पर मार्च महीने में जितनी गर्मी होती है पारा उससे कई डिग्री ऊपर चढ़ सकता है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तो अभी से दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार है, जिसके मार्च में 33 डिग्री के ऊपर जाने की संभावना है। इस बीच मुंबई के पास नवी मुंबई के खारकोपर रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से कई घंटों तक ट्रेन सेवा ठप रही। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि हादसा किस वजह से हुआ, लेकिन खबर मिलते ही रेलवे के कई अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। इन्वेस्टिगेशन अभी करते हैं क्या इशू। जिस लोकल ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे वो बेलापुर से खारकोपर जा रही थी। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की एक जिला अदालत ने तोशखाना मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले उपहारों को सस्ते में खरीदने और फिर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेचने का आरोप है, जिसे लेकर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। इस फैसले के खिलाफ पिछले साल इमरान के समर्थकों ने वहां के चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन किए थे। इसी मामले में उन्हें इस्लामाबाद की एक जिला अदालत में पेश होना था, लेकिन इस बार फिर इमरान खान कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट के मेन गेट पर ही पुलिस ने इमरान खान की कार को रोक लिया, जिसके बाद वहां मौजूद पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भड़क गए। आरोप है कि इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर में जमकर तोड़फोड़ की और इस घटना के बाद इमरान खान समेत 32 लोगों के खिलाफ नया केस दर्ज कर लिया गया। इससे पहले कोर्ट में पेश होने के लिए उनके इस्लामाबाद पहुंचने के कुछ वीडियो भी सामने आए। उनमें भारी सुरक्षा के बीच उनका काफिला सड़क से गुजरता दिखा। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद उनके समर्थकों ने उन पर फूलों की बारिश की। असल में इमरान खान को 4 अलग अलग मामलों में पेश होना था। वो 3 जगह तो सुनवाई के लिए कोर्ट में पहुंच गए, लेकिन तोशखाना केस में वो शामिल नहीं हो पाए, जिसके बाद जिला अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मार्च तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।